Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll revise our chapter number 2. Okay, the tsunami, जो अपना chapter number 2 जो है, उसका हम लोग revision करेंगे. And our chapter 2 is of tsunami की. इसमें हमें tsunami के जो different stories बताई हुई हैं कि सुनामी मतलब कैसे आता है. ओके कि मतलब लोगों को पहले ही कैसे पता चल जाता है. सुनामी में कुछ स्टोरीज के थ्रू हमें यह बताया हुआ है कि कैसे जो लोग होते हैं उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो उनमें पीपल्स की डेथ हो जाती है. ओके फैमिली में लोग अलग हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं. ओके एंड लास्ट में हमें बताया हुआ है कि किस तरह से एनिमल्स वगैरह जो हैं उनकी डेथ सुनामी में कम होती है. ओके सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 का रिवीजन. ओके फर्स्ट ये जो हमारे पास स्टोरी है ये किसकी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की है. ओके जिसमें कि एक इनग्रेवियस नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है. कहां पर, एट कचहल. ओके वो कचहल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मैनेजर होता है. हिज वाइफ वॉक मतलब उसकी वाइफ जो है वो 6 AM वो वॉकअप होती है क्योंकि उसे यूं लगता है कि शायद अर्थक्वेक आया है. ओके सो इनग्रीवियस होता है वो उसे मतलब उठाती है एंड उसे कहती है मतलब कि आई थिंक शायद अर्थक्वेक आया है. ओके देन जो इनग्रीवियस है वो अपना टेलीविजन उठा के बहुत ही सेफली वो उठा के केयरफुली उठा के वो नीचे रख देता है टेबल से ताकि वो गिर ना जाए. ओके मतलब गिरकर वो टूट ना जाए. ओके और फिर जो फैमिली है वो घर से बाहर निकल के चली जाती है. ओके फिर जब मतलब जो ट्रिमर्स जो स्टॉप होते हैं. ओके जब ट्रिमर्स स्टॉप होते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो सी जो है वो राइज अप हो रहा है मतलब कि सुनामी आने वाली है. सी राइज अप हो रहा है मतलब सुनामी आने वाली है. ओके जो बच्चे वगैरह हैं वो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वगैरह में मतलब अपनी मम्मा के जो फादर होते हैं उनका हैंड पकड़ लेते हैं एंड मम्मा के जो ब्रदर हैं उनके साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगते हैं. ओके क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था. ओके फिर उसकी वाइफ जो है वो भी मतलब उसकी वाइफ जो है वो उसमें बह जाती है. जो सुनामी की जो लहरें आती हैं उन लहरों में वो बह जाती है. ओनली जो मतलब तीन दूसरे बच्चे जो थे मतलब उन्हीं के साथ रहने वाले जो 3 other children जो थे वो बच जाते हैं. ओके नेक्स्ट स्टोरी में क्या है, संजीव जो कि एक पुलिसमैन है. ओके कहां पर है उसकी ड्यूटी, कहां वो सर्वाइव कर रहा है, कचहल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में. जो कचहल जो है वहां वो रह रहा है जो कि निकोबार आइलैंड के ऊपर है. ओके मतलब कैसे जैसे somehow he managed to save himself, कैसे जैसे उसने मैनेज किया कि वो अपने आप को सेव करे, अपनी वाइफ को वो सेव करे, अपनी उसकी जो छोटी बेबी डॉटर थी उसे वो सेव करे उन वेव्स से. एंड उसने सेव किया बट उसके बाद वो देखता है कि जो जोन है उसकी वाइफ, जोन कौन है, उनके जो गेस्ट हाउस का जो कुक है. ओके उसकी वाइफ मतलब वो फंस जाते हैं. ओके सो संजीव मतलब उन्हें कैच करने के लिए मतलब पकड़ने के लिए या उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वो जाता है एंड उसी के साथ वो जो संजीव है वो भी बह जाता है. ओके एक 13-year-old मेघना है. ओके वो भी बह जाती है विथ हर पेरेंट्स एंड 77 other people. मेघना जो है वो मतलब 13 years old है. ओके जो वो भी बह जाती है, अपनी फैमिली और 70 other people भी बह जाते हैं. ओके वो मतलब उसने अपने 2 days स्पेंड किए ओनली उस सी पर क्योंकि उसे एक वुडन डोर मिल जाता है जिसके ऊपर वो बैठ जाती है. ओके या फिर मतलब स्वेप्ट हो जाती है, सो जाती है, मतलब कुछ भी होता है ठीक है, लेकिन उसे वो वुडन डोर मिल जाता है. आपको पता है वुड जो होती है वो पानी में नीचे नहीं मतलब गिर पाती है. ओके वुड पानी हमेशा पानी के ऊपर ही तैरती रहती है.
फिर उसने लगभग 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर्स देखे, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसने देखे, बट शायद उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा होगा। एंड देन वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ओके फिर कुछ दिनों के बाद उसे जब होश आता है तो वो कहाँ होती है? एट हॉस्पिटल होती है। ओके फिर आता है अलमस जावेद, वो 10 years old girl, एक जो अलमस जावेद जो है, ओके वो 10 years old girl है, ओके जो कि कैमरल कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ती है, ओके एट पोर्ट विलर में वो वहाँ पढ़ती है, ओके उसके पापा जो हैं उनके एक पेट्रोल पंप है, ओके एंड मतलब वो अपनी मम्मा के घर वो गए होते हैं, कहाँ गए होते हैं? नारकोवरे आइलैंड। ओके वो नारकोवरे आइलैंड जो है वो वहाँ गए होते हैं, क्यों गए होते हैं वहाँ पर? ताकि मतलब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए होते हैं। ओके देन अचानक से वही ट्रिमर्स होते हैं मॉर्निंग, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रिमर्स होते हैं, तो फैमिली जो है वो सोई होती है। ओके देन जो अलमस के जो फादर हैं वो देखते हैं कि सी जो है वो राइज अप हो रहा है, मतलब सी उठ रहा है, वैसे होता है ना लेवल हाई आ रहा है उसका। ओके तो उसे पता चल गया कि मतलब अगर पानी ऊपर आ रहा है मतलब सुनामी आने वाली है। ओके एंड वो घर से मतलब बाहर वो बहुत ही फोर्सफुली वो घर से बाहर निकल के चले जाते हैं। ओके एंड वो वंस अप ट्राई में जो मतलब रसब से मतलब वो एकदम से सेफ प्लेस पर वो चले जाते हैं। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़ते हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं ओके उनके सर में किसी चीज़ की चोट लगती है। ओके एंड वो वहीं गिर जाते हैं, उनके फादर उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं तो वो दोनों फादर एंड जो सन है वो दोनों ही स्वेट अप हो जाते हैं इन सुनामी। ओके देन नेक्स्ट में क्या है, अलमस की मदर एंड जो आंट जो हैं वो मतलब खड़ी हो जाते हैं जो क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो कोकोनट ट्री की जो लीव्स होती हैं। ओके वहां जाके वो खड़ी हो जाती हैं, कॉलिंग आउट टू हर, उसे बुलाती हैं। ओके द वेव्स अपरूटेड, लेकिन जो वेव्स जो होती हैं वो उस ट्री की रूट्स को अप मतलब उखाड़ देती हैं, उस ट्री को वो उखाड़ देती हैं। ओके एंड वो जो मदर एंड जो आंट हैं वो भी उन्हीं के साथ में स्विप्ट अप हो जाते हैं। ओके देन वो अनकॉन्शियस होके एक जो फुट फ्लो हो रही होती है, लॉग ऑफ फुट वुड जो फ्लो हो रहा होता है उस पर वो गिर जाती है। जब वो उठती है तो वो भी कहाँ होती है? एट हॉस्पिटल होती है। ओके एंड उसे ओनली मतलब वो इतनी ज़्यादा उस सदमे में है कि वो मतलब उस वो घटना क्या हुई थी वो उस घटना को बिल्कुल भी नहीं भूल पाती है। ओके नेक्स्ट, अभी हमारे पास जो स्टोरी है वो कहाँ की है? थाईलैंड की। पहले हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे थे वो कहाँ की थी? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। ये स्टोरी कहाँ की है? थाईलैंड की। ओके कि एक जो स्मिथ फैमिली होती है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो एट अ बीच रेस्टोर वो जाती है। ओके जो कि कहाँ से होते हैं? साउथर्न थाईलैंड से वो होते हैं, मतलब साउथ ईस्ट इंग्लैंड से होते हैं लेकिन वो थाईलैंड जाते हैं। ओके और जो टेली स्मिथ जो थी वो 10 years old एक स्कूल गर्ल थी, उसकी सिस्टर जो थी वो 7 years old थी, वो भी एक स्कूल गर्ल थी, एंड उसके मदर एंड फादर मतलब वो 4 मेंबर्स आए हुए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ये मैटर कब का है? व्हाट वाज द डेट? इट वाज 26 December 2004। ओके फिर मतलब उन्हें मतलब डेडली जो सुनामी वेव्स जो होती हैं वो उनके आसपास में यूँ मतलब वेव्स करने लगती हैं। ओके उन्हें अर्थक्वेक जो है उसका भी मतलब वो होता है ना झटका लगता है। ओके कि हाँ शायद अर्थक्वेक आ सकता है। ओके वैसा उन्हें लगता है। देन जो वाटर था वो अपर साइड में वो आ रहा था। ओके तो जो पेनी स्मिथ है ओके वो मतलब एकदम से उसे याद आता है कि बीच जो है वो छोटा और छोटा होता जा रहा है। उसे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन
उसे ये पता था कि ये बीच जो है वो छोटा होता जा रहा है, जो सी है वो राइज अप होता जा रहा है. ओके, देन जो टैली स्मिथ है वो उसे मतलब यू सेंस अप होता है, उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में उनके टीचर ने जो उनका ज्योग्राफी टीचर था उन्होंने उन्हें एक जो सुनामी का वीडियो दिखाया था. ओके, एंड उन्होंने मतलब उस वीडियो वो वीडियो उन्हें याद आता है कि पहले अर्थक्वेक आया है, नाउ सी राइज अप हो रहा है, दैट मीन्स सुनामी आ सकती है. ओके, एंड वो अपनी फैमिली को कहती है कि हमें इस बीच से यहाँ से चला जाना चाहिए, यहाँ सुनामी आ सकती है. सुनामी के कॉजेस के मतलब किस चीज से आती है सुनामी, या तो अर्थक्वेक आ चुका हो, या वोल्केनो मतलब निकलता हो निकला हो, ओके, या लैंडस्लाइड हुई हो. ओके, इनके बाद सुनामी एट द बीच पॉइंट सुनामी आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं. ओके, देन जो टैली जो है टैली स्मिथ जो है वो एकदम से मतलब इधर उधर होता है ना कि हमें बीच से बाहर जाना है, हमें बीच से निकल जाना चाहिए यहाँ से, एंड हमें मतलब यहाँ नहीं रहना, वो एकदम से कन्फ्यूज हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है. ओके, देन मतलब अर्थक्वेक होता है. ओके, उसने पहले वो अर्थक्वेक की बात करती है, देन उसने कहा कि सी गोट मोर एंड मोर हाइस्ट्रिकल, वो एकदम से मतलब और ज्यादा वो ये होता है ना, हाँ ये होने ही वाला है. ओके, इस तरह से वो हो जाती है. वो अपनी मम्मा को कहती है कि आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मुझे नहीं पता. उसकी मम्मा कहती है मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है. ओके, पर मैंने मेरी जब बेटी को इस तरीके से घबराए हुए देखा, ओके, तो मुझे मतलब यूं लगा कि हाँ कुछ सीरियस होने वाला है. ओके, समथिंग मस्ट बी सीरियस ओवर देयर. देन जो टैली के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सिस्टर है वो उस बीच से वहाँ से चले जाते हैं टू द स्विमिंग पूल ऑफ द होटल. वो जो स्विमिंग पूल होता है उस होटल के वहाँ से वो चले जाते हैं. रिमेंबर ऑफ अदर मतलब जो दूसरे जो टूरिस्ट होते हैं वो वहीं पे मतलब रहते हैं. एंड देन मतलब जो सुनामी आती है, ओके, उसमें बहुत सारे लोग स्वेप्ट अप हो जाते हैं. एंड जो टैली स्मिथ की जो फैमिली है, जो उसकी मम्मा है, जो उसके फादर हैं, ओके, उन्हें अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इसने अपना जो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा उसकी वजह से आज हमारी जान बच चुकी है. ओके, एंड वो अपनी डॉटर पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. एंड जो टैली स्मिथ जो है वो जब अपनी इंग्लैंड में जब वो अपनी स्कूल जाती है तो वो अपने क्लासमेट्स से ये जो मतलब जो स्टोरी उसके सामने एकदम से घटित हुई उसके बारे में वो बताती है. ओके, फिर नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ श्रीलंका के मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ की आई हुई है कि कोस्टल एरियाज जो होते हैं श्रीलंका में, ओके, वहाँ ये देखा गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ना उनकी डेथ बहुत कम होती है. जब भी मतलब कोई सुनामी आती है या फिर कोई अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी अर्थ का मतलब कुछ भी मूमेंट होता है तो उससे पहले जो एलिफेंट हैं वो एकदम से स्क्रिम्ड अप होके इधर उधर भागने लगते हैं, जो डॉग्स हैं वो मतलब घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं, और जो मतलब जू के एनिमल्स वो अपने अपने शेल्टर में चले जाते हैं. दैट मीन्स सारे के सारे अपने घर में वो वापस चले जाते हैं. भले ही जू के एनिमल हो, जू के एनिमल होते हैं वो अपने शेल्टर चले जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो घर से बाहर निकलना रिफ्यूज कर देते हैं, वो अंदर रहते हैं. ओके, वाइल्ड एनिमल्स इधर उधर भागने लगते हैं एंड अपनी वो छुपने की जगह वो देखते हैं. ओके, सो ये होता है कि ये क्यों होता है, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले पता चल जाता है या ये क्या होता है. तो कुछ लोग जो है वो तो इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो अर्थ का कोई भी अगर मोमेंट होता है, ओके, अर्थ अगर कोई भी मोमेंट करती है तो एनिमल्स में ये सिक्स्थ सेंस होता है कि उन्हें वो पहले ही पता चल जाता है. ओके, जो अर्थ के वाइब्रेशंस होते हैं एनिमल्स को वो अर्थ के वाइब्रेशंस पहले ही पता चल जाते हैं. ओके, तो इससे पहले कि कोई भी डिजास्टर हो, ओके, अर्थ पर, एनिमल्स जो हैं वो उससे पहले ही मतलब उन्हें पता चल जाता है. ओके, एंड वो उनसे सेफ होने की मतलब कोशिश करते हैं. ओके, ये होता है एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होता है.
ओके, और ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट एक चीज और बेटा जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ पीपल्स की डेथ के बजाय बहुत 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 कम होती है. ओके, कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत कम उनकी मतलब किसी नेचुरल डिजास्टर में उनकी डेथ बहुत कम होती है, जबकि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी डेथ जल्दी ही मतलब बहुत हाई अमाउंट में वो होती है. ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर एक जो कंडीशन बताई हुई है या एक जो हमें हिस्ट्रिकल स्टोरी बताई हुई है वो कहाँ की है, याला नेशनल पार्क. कहाँ पर है याला नेशनल पार्क? तो याला नेशनल पार्क इज इन श्रीलंका. ओके, कहाँ पर है ये? श्रीलंका में. ओके, तो यहाँ पर जो भी मतलब बफेलोज हैं, जो भी मतलब डॉग्स हैं, ओके, वो बिल्कुल भी अनहार्म्ड पाए गए हैं, मतलब उन्हें कोई भी हार्म नहीं हुआ है. एंड यहाँ पर जो एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड जो अदर मतलब 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स थी, ओके, वो तो सेफ रह गई. जबकि यहाँ पर जब सुनामी आई थी तो जो विजिटर्स थे, 60 ऑफ विजिटर्स जो हैं वो सुनामी में एकदम से स्विप्ट अप हो चुके थे, बह चुके थे. ओके, जबकि सुनामी आने से पहले कुछ जो मतलब 3 और 4 जो एलिफेंट्स थे उनमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वो इधर उधर वो भागने लग गए थे. ओके, देन दे आर सॉरी, इन श्रीलंका जेंटलमैन हु एक जेंटलमैन होता है, ओके, गैली, वो कहता है कि मैं हमेशा अपने जो डॉग्स होते हैं उनको मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाता हूँ. ओके, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए ना लेके जाऊँ, उन्हें मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक, एंड वो भी फोन्ड अप होते हैं कि हाँ उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है. ओके, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, लेकिन क्या होता है कि जो एनिमल्स जो डॉग्स थे एक दिन वो नहीं जाते हैं, वो एकदम से घर से बाहर भी वो निकलना नहीं चाहते हैं. एंड उनका जो मास्टर होता है वो उसे, जो गैली होता है वो उसे भी नहीं निकलने देते हैं. ओके, सो जो गैली है वो कहता है सुनामी आने के बाद कि बहुत अच्छा हुआ कि उस दिन मैं इनको बीच पे लेके नहीं गया एंड इन्होंने मेरी लाइफ सेव की, इन्होंने मुझे बचाया. तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है. एंड Here completes our chapter. Okay, यहाँ हमारा जो chapter है वो complete होता है. Chapter second का revision complete होता है. Textual questions are so easy that आपको अपने own words में लिखना है. Okay, अगर फिर भी किसी student को कहीं भी कोई भी problem होती है, कहीं कुछ समझ नहीं आता है, in any story कोई problem होती है, doubt होता है, तो आप पूछ सकते हो. Okay, bye.